हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ लॉजिकल ऑपरेटर लेकर। लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या हैं, आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा पिछले ट्यूटोरियल में, अब पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर तीन होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ठीक, तो इनमें होता क्या है ये चीज़ मैं सबसे पहले जान लेता हूँ कि देखिए, जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसमें लॉजिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे कह सकते हैं कि लॉजिकल एंड जो है ये मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है। लॉजिकल और क्या होता है, लॉजिकल और में एडिशन की तरह काम करता है। और जो लॉजिकल नॉट होता है वो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है, मतलब अपोजिट काम करता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लॉजिकल एंड क्या होता है। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो होता है, तो ये क्या होता है कि इसकी डिफिनीशन इस तरह से होती है कि यदि कोई भी वैल्यू फॉल्स है तो सारी वैल्यू को फॉल्स कर देगा। ठीक, यदि लॉजिकल एंड में सभी वैल्यू ट्रू है तो वैल्यू ट्रू देगा, आंसर जो है वो ट्रू देगा। जैसे हम कह सकते हैं वन और वन दिया हुआ है, दो ऑपरेंट हैं ए और बी, ए की वैल्यू एक है और बी की वैल्यू भी एक है, तो ये ए और बी मतलब एक और एक एक दे देगा, आंसर मतलब ट्रू ही देगा जो भी देगा। तो ठीक, वन और वन वन देगा, ट्रू यानी ट्रू और ट्रू ट्रू। लेकिन यदि यहीं पे एक वैल्यू ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, या पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है, तो ये क्या देता है, फॉल्स आंसर देता है। जैसे ए में वन है और मान लीजिए कि यदि कोई भी वैल्यू से जीरो की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। उसी तरह से लॉजिकल एंड में होता है, यदि एक से एक की गुणा करेंगे तो एक एक कम एक आएगा। ठीक, तो आया लॉजिकल एंड में। और यहीं पे यदि वन है और जीरो का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो इसी तरह से लॉजिकल एंड में होता है, यदि वैल्यू ट्रू है, सभी वैल्यू ट्रू है, तब जाके कहीं आंसर ट्रू आएगा। यदि कोई भी वैल्यू, एक भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए 10 वन दिए हैं और फिर जीरो दिया है, तो सारी वैल्यू क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो इस तरह से लॉजिकल एंड का काम करता है कि यदि कोई भी वैल्यू फॉल्स है तो आंसर फॉल्स देगा, यदि जब सभी वैल्यू ट्रू होगी तो ही ट्रू देगा। अब दूसरी बात आती है लॉजिकल और की। लॉजिकल और क्या होता है, लॉजिकल और मैंने बताया कि एडिशन की तरह काम करता है। जैसे कह सकते हैं इसमें जो होता है, यदि इसमें से सभी वैल्यू फॉल्स हैं तो ही ये आंसर फॉल्स देता है, यदि एक भी वैल्यू ट्रू है तो ये आंसर ट्रू देता है। मतलब लॉजिकल एंड का फुल ऑपोजिट कह सकते हैं लॉजिकल और। ठीक, लॉजिकल और गेट होता है और। ठीक, लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक, और इनको किन सिंबल से डिफाइन किया जाता है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए लॉजिकल और ऑपरेटर। तो हमने बताया कि यदि कोई भी वैल्यू फॉल्स है तो भी ये आंसर ट्रू देगा, यदि सभी ट्रू हैं तब तो ट्रू देगा, यदि उनमें से कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो ट्रू देगा चाहे सभी फॉल्स हो। जैसे 10 जीरो फिर वन, तो ये वैल्यू ट्रू देगा, वन ही देगा। यदि इनमें से कोई भी सभी वैल्यू फॉल्स हैं, जैसे 10 जीरो है तो वो वैल्यू फॉल्स ही देगा। भाई 0 प्लस 0 करोगे तो 0 ही तो आएगा, यदि 0 प्लस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 करोगे तो भी 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 करोगे तो ही 1 आ जाएगा, मतलब ट्रू आएगा। तो इस तरह से लॉजिकल और करता है। अब बात आती है लॉजिकल नॉट गेट, नॉट ऑपरेटर की। तो नॉट ऑपरेटर मैंने बताया फुल टू अपोजिट होता है किसके, उसी के। जैसे ट्रू वैल्यू हमने दिया 1 तो वो हमको क्या वापिस करेगा, 0, मतलब ट्रू का वो फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो ये काम क्या करता है, नॉट ऑपरेटर का। इन तीनों को किससे डिफाइन करते हैं ये मैं बता देता हूँ। आप देखेंगे कि आपके कीबोर्ड में 7 नंबर पे जो न्यूमेरिक की है 7, उस पर एक एंड ऑपरेटर बना हुआ है, एंड चिन्ह। ठीक, तो वो वैल्यू यदि 2 बार आप उस शिफ्ट के साथ वो बटन प्रेस करते हैं, यानी 2 एंड ऑपरेटर, तो ये लॉजिकल एंड कहलाता है। और जो आपको लॉजिकल और का है, तो अगर आप देखेंगे बैक स्पेस और इंटर बटन के बीच सेंटर में होता है, मतलब स्लैश उसे बोलते हैं, तो स्लैश में जब आप शिफ्ट के साथ स्लैश
वाली बटन प्रेस करेंगे तो वो वाली क्या क्या होगी, वो दो लाइन खड़ी खड़ी देगी इस तरह से, ठीक इस तरह से जो होता है वो लॉजिकल आर होता है। फिर तीसरा है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर न्यूमेरिक की वन में देखिए एक खड़ी लाइन होगी, नीचे एक बिंदी होगी, तो वो क्या होता है नॉट ऑपरेटर, नॉट का चिन्ह होता है, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये तीनों ऑपरेटर के बारे में हमने आज विस्तृत जानकारी प्राप्त की। तो दोस्तों आपने देखा कि लॉजिकल एंड काम क्या करता है, लॉजिकल और काम क्या करता है, लॉजिकल नॉट काम क्या करता है। लॉजिकल एंड मल्टीप्लीकेशन की तरह काम करता है, यदि सभी वैल्यू ट्रू है तभी ट्रू देगा, यदि कोई भी वैल्यू फॉल्स है तो वो फॉल्स देता है, ठीक। दूसरी बात और में, यदि सभी वैल्यू फॉल्स है तभी फॉल्स देता है, यदि एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू देगा, सभी है तो ट्रू, तो ट्रू देगा। और नॉट में क्या हमने पढ़ा कि यदि कोई भी वैल्यू हम ट्रू देते हैं तो वो फॉल्स हमें वापस करता है, यदि फॉल्स दिए तो ट्रू वापस करता है। तो ये होता है लॉजिकल एंड और नॉट ऑपरेटर। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और यदि तब तक के लिए आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल देख सकते हैं, तब तक के लिए बाय।